नहीं है जो सड़कों पर मवेशी खुले घूमते हैं उनसे सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। हालांकि राज्य सरकार जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनको रोका जाए, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से इरशाद खान है, बीजेपी से तुलसी सोनी जी हैं और समाज से भी जगमोहन जी मौजूद हैं। इसके अलावा अरविंदर सिंह खुराना जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी को साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले इरशाद जी मैं आपके पास आता हूँ। इरशाद जी, सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, हालांकि पहले की तुलना में कम है, लेकिन अब भी जो सड़कों पर मवेशी आवारा मवेशी घूमते रहते हैं वो दुर्घटनाओं में ज्यादा वो होते हैं। आप सब पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और आनंद न्यूज का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया। जो दुर्घटना हो रही है इसके लिए कैसे रोका जाए और इसकी रोकथाम के लिए क्या सरकार और क्या योजनाएं बनाई गई है। तो सबसे पहले बता दूं कि हमारे ग्रुप में एक गौठान है, फुलगांव में गौठान बनाया गया है जिसमें करीब करीब 500 पशुओं को गायों को रखा गया है। इसमें कुछ लापरवाही हमें अभी बीच में घटना हुई थी, तो जिसमें जब दुर्घटना हुई थी ना तो उसमें पता चला था कि कुछ जो वहाँ के रखवाले है ना, रहने रखने वाले, उन लोगों ने लापरवाही कर दिया था, तो जिससे मवेशी बाहर निकल गए थे, रोड पे आ गए थे। फिर एक अभियान चलाया गया कि अब मवेशियों को वही पूरी सड़कों पे है, इससे दुर्घटना बढ़ रही है। तो एक बार फिर नगर निगम द्वारा अभियान चला के 5,000 जानवरों को पकड़ के फिर व्यवस्थित जगह पे रखा गया है। इससे यह है कि जो घटनाएं अब पहले से बेहतर है और कम हो रही है, और इसके लिए शासन अपने तरफ से कार्य कर रही है। और हमारे प्रिय मित्र है जिन्होंने अभी जस्ट 15 दिन या 15 दिन पहले ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट करके पट्टी बांधी थी। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि कोई भी गाड़ी अगर लाइट करती थी तो गाय है या कोई भी पशु है वो दिख जाता था। तो उससे ये पहली शुरुआत हुई है और आगे भी ये बेहतर काम होते रहेंगे। ये जनहित में लोगों ने किया है और इसका सरकार, मैं चाहता हूँ कि सरकार भी ये चीज और करेगी तो इससे और जागरूकता बढ़ेगी। ठीक है तुलसी जी, जी सड़कों पर आवारा मवेशी जो रहते हैं उनके कारण दुर्घटनाएं होती है। सरकार कई योजनाएं चला रही है, कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी नजर आ रही है। जी सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज का धन्यवाद और मेरे साथी पैनलिस्ट का मैं अभिवादन करता हूँ। कुछ 2-3 हफ्ता पहले एक परिचर्चा पुनः आयोजित की गई थी साधना न्यूज के द्वारा, जिसमें सड़क के दुर्ग शहर की तमाम सड़कों में जो बदहाल सड़कें हैं, गड्ढे हैं, उस परिचर्चा में भी मैं भाग लिया था। और उसमें मैंने एक छोटा सा मुद्दा ये सड़क में बैठने वाले मवेशियों का भी उठाया था, और इसके लिए मैं साधना न्यूज का धन्यवाद करूंगा कि उस मुद्दे को आपने एक खुली बहस के रूप में यहाँ पर आज अपने मंच के माध्यम से जनता के समक्ष लाने का प्रयास किया, इसके लिए धन्यवाद। जैसा कि अब ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है कि न सिर्फ दुर्ग शहर बल्कि हम देखें कि गांव में और यहाँ तक कि हाईवेज में भी मवेशी जो है यत्र तत्र बैठे रहते हैं और वाहन चालक जो रहते हैं अपनी गति से वाहन चलाते रहते हैं, और उसके बावजूद भी तमाम सावधानियों के बावजूद एक घटना घट जाती है, क्योंकि जानवरों का मवेशियों का एकत्र होकर बैठे रहना और अचानक ही सड़क में आ जाना, ये बहुत एक बुरा जो होता है इनका एंट्री होती है, प्रवेश होता है, जिसमें वाहन चालकों के साथ स्थिति होती है कि वे अपनी गाड़ियों का स्पीड को नियंत्रण नहीं कर पाते और दुर्घटना घट जाती है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि शासन के स्तर पे जो अभी एक प्रयास गौठान का किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर एक ये व्यवस्था है। जिस हिसाब से दुर्ग शहर में गौठान है और वहां पे मवेशियों की जो व्यवस्था है रखने की, जितने हमारे दुर्ग शहर में एक पुष्ट जानकारी के हिसाब से लगभग 235 से 40 यहाँ पे खटाल संचालित किए जाते हैं, और उन खटालों में जितने मवेशियों को पालन किया जाता है लगभग 5,000 से ऊपर मवेशी की वहां पे खटाल मालिकों के द्वारा उनकी रख रखाव व्यवस्था की जाती है। इतने सारे मवेशियों का और उन खटाल मालिकों का जब वो मवेशियों को बाहर छोड़ देते हैं दूध निकालने के बाद और उनका उपयोग करने के बाद, ये मवेशी जो बेतरतीब ढंग से बैठे रहते, इसमें शासन का जो पहल जो है, अभी की पहल जो है वो उससे
मतलब दर्ज ऐसा मुझे नहीं लगता कि पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए काफी होगा। इन्हें काफी और प्रयास करने चाहिए नागरिकों के साथ और प्रशासन को भी इस स्तर पे बहुत हद तक प्रयास करने की आवश्यकता भी और है। ठीक है रविंदर जी। जी भाई साहब, किस तरह से देखते हैं ये जो सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद पे साधना न्यूज बहुत एक्टिव रहता है और ये है। इसके लिए मैं साधना और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, साथ ही मैं अपने सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। मैं अभी कल हमारे साथ हमीद भाई खड़े थे तो उनसे ऐसी चर्चा चल रही थी पशुओं को लेके, मैं उसके लिए फिर से धन्यवाद करूंगा कि आज उसको आपने परिचर्चा में लेके आ गया। मैं इसको बहुत एक गंभीर रूप से एक समस्या को, इस समस्या को देखता हूँ क्योंकि ये ऐसी समस्या है, क्योंकि इसमें मैं खुद भी करता हूँ कई बार पशु जो है पशु सामने आ जाते हैं और कई बार पशु गाड़ी चढ़ जाती है तो बेचारा पशु अपनी जान अब इन दोनों चक्कर में एक तकलीफ ये आती है, अगर इंसान जान गंवाता है तो एक परिवार का सदस्य खत्म होता है और अगर एक पशु जान गंवाता है तो वहां पे एक सभी मोर्चे खड़े हो जाते हैं कि गाय की जान चली गई। अब इसमें सरकार को सबसे प्रशासन का एक ध्यान नहीं आया कि ये गोठान बनाने में मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता है। अगर एक गोठान है तो कम से कम उनको ये जा रहे हैं, अगर उनका देखभाल कोई उनका मालिक नहीं कर पा रहा है तो गोठान व्यवस्थित करने की एक सबसे पहले इंतजाम करना चाहिए, पर प्रशासन का कोई नहीं। ठीक, दूसरी बात अगर नहीं है तो प्राइवेट गोठान, प्राइवेट गौशाला भी करना चाहिए, पर यह कि बहुत गंभीर समस्या है भाई साहब, इसके ऊपर में सख्त से सख्त एक इमीडिएट डिसीजन है जिसमें एक तो। ठीक है अरविंदर जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जगमोहन जी नमस्कार। जगमोहन जी, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, रोका छेका अभियान चला रही है, गौठानों के निर्माण हुए हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी नजर आ रही है। सबसे पहले साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद जो यह कार्यक्रम रखा है, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ शासन माननीय भूपेश बघेल जी जो भी नरवा गरुआ का जो योजना बनाई है वो बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि इससे पहले नहीं हुआ था। अभी रेखा छोका वाला भी जो बना किए हैं और ये गौठान का, रही बात दुर्ग नगर निगम की गौठान की बात, तो अभी एक गौठान फुलगांव में है और दूसरी गौठान अभी उरला में तैयार हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये छत्तीसगढ़ शासन या हमारा बस फर्ज है, इसमें हम सभी का भागीदारी थी, क्योंकि जब लोग जब रोड में चलते हैं तो आवारा पशु तो बेजुबान है बैठे रहते हैं, मगर ऐसा कोई नहीं है कि चलो उसको उठा के साइड में कर दे भी, ऐसा भी नहीं। जैसे भी पता चलते हैं हमारे नगर निगम वाले को तो तुरंत तुरंत वो उसे कार्रवाई करके, जैसे 250 जानवर अभी रखा हुआ था वहां करके पकड़ के लेके गए हैं। माननीय विधायक महोदय अरुण गोरवि जी जैसे पता चला तो बीच बीच में पीला पट्टी वो जो रहता है वो लगाते रहते हैं। हमारे मुखिया जो छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी बहुत सोच समझ के जो भी योजना निकालते हैं, ये योजना इतना बहुत बढ़िया है कि क्या बताऊं मैं आपको, क्योंकि इसी योजना के तहत एक जानवर का जो मालिक अपने स्वयं के घर में रखे करके एक गोबर खरीदारी का काम कर रहे हैं, कम से कम गोबर के नाम से अपने घर में उसको बांध के रखे गौमूत्र उसको भी खरीदी करना चालू कर दिया कि गोबर लेके अगर नहीं तब भी जानवर तो कम हुआ है तो गौमूत्र को लेंगे तो और अच्छे से मतलब उसका देखभाल करके अपने घर में रखेंगे करके, क्योंकि हमारी जो सरकार है
वो सही कर रही है, सही सोच के कर रही है, मगर हम लोग का आम जनता और हमारे और भी जो पार्टी के लोग है उतना वो सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो उनका काम, हमारा कोई फर्ज नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगा सर, जैसे हमारे घर में एक मुखिया, तो हमारे घर के जो गृहिणी को भी रहता है कि इतना मेरे पास पेमेंट है तो हमारा भी काम है कुछ किस तरीके से चलाया जाए, ना कि वो मालिक का जो घर का जो मुखिया होता है वो कमा के आता है, आज 5,000 कमा के आया तो हम 7,000 खर्चा कर देते, फिर कल 7,000 कमा के आएंगे, ऐसा सोचिए। हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को भी जागरूक होना जरूरी है, और तो आप पूरे एक एक आदमी को जागरूक होना जरूरी है कि कहीं भी मवेशी बैठा हुआ है किसी का जान जा सके, और जो भी है जहां भी इसका सूचना करे कि नहीं भाई यहाँ पर काम नहीं है, यहाँ पर मवेशी बैठा है। अगर हर एक एक नागरिक अगर अपना जिम्मेदारी सौंप लेगा तो मेरा गारंटी है कि एक महीने के अंदर एक भी जानवर रोड में नहीं बैठेगा, और जिस जानवर के जो मालिक है, मवेशी का मालिक है, उनके लिए बहुत अच्छा योजना है, गोबर बेच के अपना काम कर सकते हैं, गोमूत्र बेच के, इससे कई लोग अपना गोबर बेच के अपना बहुत सारे पैसे गाड़ी मोटर सब खरीदे हैं और खरीद रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के तो मन से ही था कि गोबर बेचने के नाम से कम अपने मवेशी को अपने घर में रखेंगे, गोमूत्र के नाम से अपने घर में रखेंगे, ताकि जो दुर्घटना जो हो रहा है वो नहीं होगा। जैसे जैसे धीरे धीरे सब अपने नागरिक मानसी लोग अपना वो नागरिक लोग अपना मानसी रखना चालू कर देंगे तो शायद दुर्घटना होना बंद हो जाएगा। ठीक ठीक इरशाद जी, बीजेपी कह रही है कि सरकार के जो प्रयास है उसमें ही कुछ कमी है, जबकि सरकार तो इतने सारे प्रयास कर रही है, गोबर खरीद रही है, गौमूत्र खरीद रही है, गौठाने बना रही है। देखिए ऐसा है कि हमारे पैनलिस्ट ने जो बात बोला है कि जिसका जाता है दर्द उसी को होता है ना, ये चीजों को सत्य को तो आप झुटला नहीं सकते। भाई एक जब परिवार का कोई भी सदस्य दुर्घटना में खत्म होता है तो उसके घर में वो दुख का माहौल बनता है, और अगर इसी बीच में कोई मवेशी का एक्सीडेंट करके निकल जाता है तो ऐसे कई संगठन, असंगठित संगठन आ जाते हैं और उसके ऊपर एक ऐसा प्रेशर और एक ऐसा दबाव बनाते हैं सरकार के ऊपर कि उस समय सरकार किसके हित में क्या करे वो असमंजस में पड़ जाती है। तो इसलिए ये जो गौ रक्षा है ना, इसके लिए हर एक नागरिक का कर्तव्य है। सबसे पहले आज जैसे गाय को माता मानते हैं तो ये चीज हम इससे अप्रिशिएट होना पड़ेगा। जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि इधर साइड हट जा, तो वैसी गाड़ी से उतर के, मेरी ये अपनी राय है कि अगर गाड़ी से उतर के हम अगर मवेशी को किलोर में कर दे, एक आदमी खड़े होगा तो दो आदमी खड़े होगा, जब तक आप आगे आएंगे नहीं, जब तक ये ना नेता करेगा ना कोई शासन करेगा, ये सबसे पहले जनता को करना पड़ेगा, ये मेरी पर्सनल राय है ना। आगे फिर वो शासन तो अपना काम करता है, क्योंकि शासन में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं, कुछ काम करने वाले लोग रहते हैं, कुछ टाइम पास करते हैं, तो ये चीजों को हम झूठ ला नहीं सकते। भाई सरकार तो उनको तनख्वाह दे रही है, उनको पैसा दे रही है, लेकिन उनके एक एक आदमी के पीछे तो नहीं दौड़ सकती। तो सरकार का तो आज तो ऐसा है कि हमारे भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री ने जो नरवा गरवा की योजना जो चालू की हुई तो विदेशों तक चली गई है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए काफी खुशी जाहिर की है और मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है। तो इसके लिए तो हम छत्तीसगढ़ के सभी प्रदेशवासियों को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आज गाय रक्षा या जितने भी योजनाएं हम लोगों ने लाए हैं इस प्रदेश की सरकार ने, इसके लिए मैं भूपेश बघेल सरकार को और अपने प्रदेशवासियों को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, अपने मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को भी कि उन्होंने सराहा इसको। ठीक तुलसी जी, सरकार लगातार जो है जो आवारा पशु घूमते हैं वो आवारा ना रहे करके कई सारी योजनाएं चला रही है, अब गौमूत्र खरीद रही है, गोबर खरीद रही है, रोका छेका अभियान चलाती है, गौठान बना रही है, फिर कहां लगता है आपको कि सरकार के प्रयास में कमी है? देखिए किसी भी योजना को जब हम बनाते हैं, सरकार बनाती है, तो निश्चित तौर पर उसका जो उद्देश्य होता है वो जनमानस के हित के लिए होता है। अब योजनाओं का क्रियान्वयन भी उसी स्तर पे और उसी प्रकार से किया जाए जिस प्रकार से योजनाएं बनी हैं,
तो मैं समझता हूं कि ये योजनाओं का सही मायने में पालन जब होगा तभी उसका सही उपयोग हो रहा है ऐसा मान सकते हैं, योजना के धरातल पे उसका जब पालन किया जाएगा तभी वो सही रूप में चल रही है ऐसा हम मानते हैं। मगर अब जो नरवा गरवा और जो गोबर खरीदी और सब योजनाएं गौठान की चल रही है इससे मेरा ये मानना है कि ये योजनाएं अभी तक जो धरातल पे उस रूप में नहीं आई है जिस रूप में भी इसका क्रियान्वयन किया जाना सरकार ने सोचा होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर एक सुझाव रूप में बोलना चाहूंगा कि जिन स्थान पर भी ये गौठान बने हैं या बनने जा रहे हैं उसमें हम अगर स्थानीय स्तर के जो प्रशासन के अधिकारी हैं, सरपंच हैं, नगर निगम के जो पार्षद हैं या नगर निगम के जो संबंधित अधिकारी उन पर भी अगर हम जवाबदेही अगर इस पर आरोपित करें, इस पर हम करें तो जिस क्षेत्र में मवेशी पाए जाते हैं उस क्षेत्र के संबंधित सरपंच को या पार्षद को या निगम के जो भी अधिकारी हैं उनको अगर हम दंडित करें, साथ में जितने भी खटाल मालिक हैं, जितने भी खटाल मालिकों के मवेशी वहां पाए जाते हैं उन पे भी अगर हम लगाम अंकुश लगाएं, किसी प्रकार का दंड आरोपित करें, उस पे सजा का प्रावधान रखें, तो मैं समझता हूं कि ये योजनाएं पूर्ण रूप से लागू होंगी और उसका हमें पूरा लाभ वैसा ही मिलेगा जैसे कि हम योजना को लागू करने के पहले सोचते हैं, योजना बनाते समय ध्यान में रखते हैं। ऐसा मेरा मानना है सरकार के लिए कि ये सजेशन सुझाव मेरे तरफ से हो सकता है। ठीक है अरविंदर जी, सरकार इतने सारे प्रयास कर रही है फिर भी नहीं रुक पा रहे हैं, लोग छोड़ देते हैं अपने मवेशियों को, काम निकला फिर छोड़ दिया जाता है, तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए और क्या कुछ करना चाहिए? देखिए भाई साहब, मेरा ये सोचना है कि लोग अपने अपने स्तर पे जागरूक हैं। जैसे अभी अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि मतलब हम एक एक नागरिक जागरूक होगा तब जाके कोई भी पशु अपने को सड़क पे नहीं देखेगा। अब अगर ये सोच के चलेंगे तो फिर निगम क्यों बनते हैं, फिर उनके कार्यकर्ता क्यों बनते हैं? अगर आज मैं सड़क पे जा रहा हूं तो उस अगर कोई पशु बैठा है तो उसको हटा के उस वक्त उस सड़क से हटा सकता हूं, पर कहीं पे रख तो नहीं सकता हूं। वो काम तो सरकार ही कर सकती है। इसके लिए सरकार को एक उचित कदम ये उठाने चाहिए है कि साथ ही साथ में इन गोठानों का जितना जल्द से जल्द हो सके एक कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए ताकि इनकी इनकी व्यवस्था की जा सके, और इस और एक टीम बनानी चाहिए कि भाई इन जो पशु जो ये सिर्फ दुरुग की बात नहीं है भाई साहब, आपके माध्यम से मैं ये पूरे छत्तीसगढ़ में ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कई टाइम से हम सड़क पे चलते हैं, दुरुग बिलाई रायपुर बिलासपुर बीच में ही ये पशु चलते हैं, ये पूरे छत्तीसगढ़ में ये समस्या है। एक टीम ये बनानी चाहिए जिससे एक टीम बनाने जिसका ये काम ही हो कि गोठान कैसे जल्द से जल्द तैयार हो और इन पशुओं को कैसे उस जगह पे पहुंचाया जा सके जहां पे वो सेफ रहे। इसके लिए एक टीम जल्द से जल्द प्रशासन को या फिर हमारे मंत्रीगण जो इसके हैं उनको बनवाना चाहिए, ठीक, ताकि वो इस चीज पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक ठीक जगमोहन जी, आखिरी सवाल है आपसे जी, और क्या कुछ प्रयास होने चाहिए जिससे लोगों में जागरूकता आ सके और जो आवारा मवेशियों से जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसको रोका जा सके? देखिए सर, आपके न्यूज के द्वारा तो सब कुछ सुनी लेंगे और देख लेंगे, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं, सब समझदार है, बस अपना अपना फर्ज नहीं निभा पा रहे। ठीक है जरूरत है वो तो कर ही रहे हैं, इससे पहले की सरकार तो कभी किया ही नहीं था, जो आज कांग्रेस की सरकार आने से सब हो रहा है। और मैं बोलता हूं कि जहां जहां अगर मवेशी बैठा हुआ है वहां वहां जाके उसके अधिकारी को सूचना करे, यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ ये किया है, अगर लगातार सूचना की उनसे सूचना जाएगा और कार्रवाई होते जाएगा तो मेरे हिसाब से पूरा बंद हो जाएगा दुर्घटना, तो टोटल गांव मवेशी की जो दुर्घटना होता है वो नहीं होगा। और जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ही दिन में ये गोठान भी चल हो जाएगा उरला का, क्योंकि उरला का गोठान उससे भी बड़ा है। हमारे छत्तीसगढ़ शासन से जो आता है जो राशि, वो गोठान में जो कमी हो रही राशि उसको बढ़ाने की भी बात कही है, क्योंकि आज से चार दिन पहले न्यायधन गोठान की योजना के तहत मीटिंग हुआ था, इसलिए इसमें भी बात यही चला है कि कुछ राशि कम हो रहा है कहीं से भी, और बताएं कि कहां कहां से गौठान का व्यवस्था करा सके, कैसे करा सके, क्योंकि गांव में तो वो चलता है कि पेरा दान चलता है, यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, गांव में तो पेरा दान हो जाता है मगर यहां नहीं हो पाता।
यहाँ भी हम लोग एक एक नागरिक को अपना जिम्मेदारी समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से टोटल बंद हो जाएगा ये मावेशी रोड में बैठना। समय की कमी है, जितना शिकायत हम लोग मावेशी सुनिए सर सुनिए ना, जितना शिकायत मावेशी बैठने में कर रहे हैं बता रहे हैं उतना ही अगर निर्भर कर दिया उसको अधिकारी बता देंगे तो शायद पूरा खत्म हो जाएगा रोड में मावेशी बैठना। ठीक है ठीक, समय की कमी है, चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शायद कुछ कहना चाह रहे थे। सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही है आराम मवेशियों से उसको रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कई सारी योजनाएं चला रही है, चाहे रोड का सेतु अभियान हो, गौधन निर्माण हो, गोबर खरीदी हो, गौमूत्र खरीदी हो, लोगों में जागरूकता की कमी नजर आ रही है जिसको लेकर जो है अलग अलग राय है, पक्ष का अपना अलग राय है, विपक्ष का अपना है। खबरों के जरिए सामने न्यूज के साथ बैक टू स्टूडियो।